बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर टू एक्सरसाइज 7.2 का। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी हमें ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, जिसमें एडी क्या है परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर भी है। एडी क्या है परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर ऑफ बीसी, बीसी लाइन के ऊपर ये क्या है परपेंडिकुलर भी है बाइसेक्टर भी है। देन शो दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल इन विच एबी इज इक्वल टू एसी। हमें यह बताना है कि एबीसी एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, जिसमें स्पेशली अलग से बताना पड़ेगा कि एबी इक्वल टू एसी है, तब जाके आइसोसेलस ट्रायंगल हुआ। ओके तो चलो कर लेते हैं। यहां पे हम क्या लेंगे, सबसे पहली चीज सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे गिवन। देखो हमें क्या गिवन है बच्चों कि एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है जी। अगर एडी हमारे पास, देखो एडी क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी है, ठीक है ऑफ बीसी है, देन हम क्या कहेंगे, देन बीडी इज इक्वल टू डीसी। क्यों भाई, जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये इस साइड को इसके हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा ना, यानी कि डी क्या हुआ एक मिड पॉइंट हो गया, ठीक है जी। मिल गया हमें गिवन से, ओके बाकी तो ऐसा कुछ और गिवन नहीं है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल पकड़ेंगे, यहाँ पे अपना ट्रायंगल, हमारे पास दो ट्रायंगल है। देखिए आप प्रूफ के अंदर जाएंगे, आप सॉरी पहले आप टू प्रूफ भी लिख लीजिए। टू प्रूफ हमें क्या करना है, ट्रायंगल एबीसी इज एन, आपको पेपर में लिख के आना पड़ेगा, ये हर चीज छोड़ना मत, इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल वेयर एबी इक्वल टू एसी। ओके ये चीज प्रूफ करनी है तो हम अपने प्रूफ में आ जाते हैं। इसके अंदर देखिए सबसे पहले हम दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए डी सॉरी इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ए डी बी। ओके हमारे पास ये दो ट्रायंगल है। चलिए अब हम क्या देखते हैं इसके अंदर कि हमारे पास साइड डी सी, डी सी इक्वल टू डी बी, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है जी। कहां से इक्वल है बच्चों, वो गिवन की वजह से, ठीक है जी। ओके अब देखोगे एंगल हमारे पास जो है ए डी सी इक्वल टू बच्चों किसके इक्वल है, एंगल ए डी बी के। क्यों, क्योंकि दोनों क्या ये 90 डिग्री ईच, ठीक है जी। साइड मिल गई, एंगल मिल गया, एक चीज और निकाल लेते हैं। अब आप देखोगे एडी, एडी क्या है इसके अंदर कॉमन है ना दोनों में, तो हम बोलेंगे कि एडी इक्वल टू एडी विच इज कॉमन है भाई इस वजह से। ओके जी तीन चीजें आ गई, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल है ए डी सी कॉन्ग्रुएंट आ गया किसके, ट्रायंगल ए डी बी के, किस वजह से, साइड एंगल साइड रूल की वजह से। ओके अगर ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो है साइड ए सी इक्वल टू ए बी आएगी, ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाएगी, क्यों आ जाएगी सी पी सी टी। ओके जी क्या कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, यही होती है, ठीक है। अब हमारे पास ए सी इक्वल टू ए बी तो आ गया, बट इससे आइसोसेलस कैसे प्रूफ करेंगे कि बट, देखो लिखना आप अलग से कि बट ए सी एंड ए बी आर टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल की दो साइड है, देयरफोर बाय हम क्या बोलेंगे यहां पे कि देयरफोर देयरफोर बाय प्रॉपर्टी, हम कोई भी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं कि देयरफोर बाय प्रॉपर्टी ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। कोई प्रॉपर्टी मान लो जिसके क्या होगा कि अगर दो साइड हमारे पास ट्रायंगल की होगी तो वो एक आइसोसेलस ट्रायंगल माना जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया एक आइसोसेलस ट्रायंगल। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर टू, आपके पास बहुत इजी क्वेश्चन था, इवन मैं ये कहूंगा
7.1 में थोड़े से हार्ड क्वेश्चन है आपके पास, बट इसके अंदर काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उसको इतना मुश्किल मत समझना, थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझो, थ्योरम को समझो, वही हमें पुट करनी है और आंसर निकालने, ठीक है जी। चलिए ये आपके पास हो गया, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब एंड वीडियो लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।